तो ये 1 किलो आटा है और यह है आधा किलो आपका मेथी। अब इसको इसमें मिला दीजिए और उसके बाद ये जो मटेरियल है चटनी वाला इसको डाल दीजिए मिक्सर का। जो अदरक लहसुन हरा मिर्च पीसी हूँ इसको डाल दीजिए इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो अभी अच्छे से मिला गया, मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मारना है, ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो साग है हो जाएगा गीला। तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा जितना ज़रूरत है उतना ही पानी आप डालिए और इसको आराम आराम से। तो आटा मेरा तैयार हो गया और अब इसमें क्या है कि पानी जैसे कि नॉर्मल आटा में जितना लगता है उसका आधा से कम पानी में मड़ाएगा। तो अब इसको तो चलिए अभी डो तैयार हो गया, अब इसको निकालिए और इसको पराठा बनाइए। ऐसे पलट दीजिए थोड़ा सा इधर सिका जाएगा, पलट दिए। अब इधर इसको तेल लगा दीजिए अच्छे से। इस तरह बढ़िया से हो गया दोनों तरफ से, इसको उतार लीजिए।